As far as जहां तक, as long as जब तक, as soon as जैसे ही, in terms of के मामले में, going to be बनने वाले हो, what if क्या हुआ, nothing but बल्कि, if that's the case अगर ऐसी बात है, take for granted हल्के में लेना, safe and sound सही सलामत, simultaneously साथ ही साथ, By no means किसी भी तरह से नहीं. By all accounts लोगों के अनुसार foolish of me मेरी बेवकूफी. By dint of के बल पर. Needless जरूरत नहीं है. Get used to आदत डालो. How come ऐसे कैसे? The moment जैसे ही. However, for all this हालांकि इस सब के बावजूद. एक. However, for all this, he never complained about his situation. हालांकि इस सब के बावजूद उसने कभी अपनी स्थिति की शिकायत नहीं की. दो. However, for all this, the project was completed on time. हालांकि इस सब के बावजूद परियोजना समय पर पूरी हो गई. तीन. However, for all this, she remained optimistic and hopeful. हालांकि इस सब के बावजूद वह आशावान और उम्मीद से भरी रही. 4. However, for all this, their friendship grew stronger. हालांकि इस सब के बावजूद उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई. 5. However, for all this, the team managed to win the championship. हालांकि इस सब के बावजूद टीम ने चैंपियनशिप जीतने में सफलता पाई. Keeping in mind all the objections. सभी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए. 1. Keeping in mind all the objections, we decided to revise our plan. सभी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, हमने अपनी योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया. 2. Keeping in mind all the objections, she carefully rephrased her proposal. सभी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उसने सावधानी पूर्वक अपने प्रस्ताव को फिर से तैयार किया. 3. Keeping in mind all the objections, they agreed to make the necessary changes. सभी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आवश्यक बदलाव करने पर सहमति जताई. 4. Keeping in mind all the objections, the committee postponed the meeting. सभी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए समिति ने बैठक को स्थगित कर दिया. 5. Keeping in mind all the objections, we opted for an alternative solution. सभी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए हमने एक वैकल्पिक समाधान चुना. If that's the case, अगर ऐसी बात है. 1. If that's the case, we need to reconsider our plans. अगर ऐसी बात है तो हमें अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करना चाहिए. 2. If that's the case, I will support you. अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा. 3. If that's the case, we should leave early. अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी निकलना चाहिए. 4. If that's the case, then I am wrong. अगर ऐसी बात है तो मैं गलत हूँ. 5. If that's the case, she should apologize. अगर ऐसी बात है तो उसे माफी मांगनी चाहिए. Take for granted हल्के में लेना. 1. Don't take your health for granted. अपनी सेहत को हल्के में मत लो. 2. He took her love for granted. उसने उसके प्यार को हल्के में लिया. 3. We often take our freedoms for granted. हम अक्सर अपनी आजादी को हल्के में लेते हैं. 4. She took his help for granted. उसने उसकी मदद को हल्के में लिया. 5. They take the environment for granted. वे पर्यावरण को हल्के में लेते हैं. By dint of के बल पर. Sentence 1. He succeeded by dint of hard work. उसने कड़ी मेहनत के बल पर सफलता पाई. Sentence 2. She achieved her goals by dint of perseverance.
उसने धैर्य के बल पर अपने लक्ष्य हासिल किए. सेंटेंस 3, दे वॉन द मैच बाय डिंट ऑफ टीमवर्क. उन्होंने टीमवर्क के बल पर मैच जीता. सेंटेंस 4, ही पास्ड द एग्जाम बाय डिंट ऑफ डेडिकेशन.